डैड, ये क्या हरकत की है आपने? अपनी मां के साथ ऐसा सलूक करता है कोई? आपको शर्म नहीं आई अपनी मां को ब्लैकमेल करते हुए? इसका मतलब है कि बीजी ने तुमसे मेरी शिकायत कर दी। कुछ गलत नहीं किया मैंने, अपना हक लिया है बीजी से। एनीवेज, तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है जुनैद कि मेरे और बीजी के मामले में मत पड़ो, जाओ यहां से। मेरी बेहतरी किस बात में और किस में नहीं है? इस मामले में तो आप ना ही पढ़े तो अच्छा है। आपको तो ये अंडरस्टैंडिंग ना कभी थी और ना कभी होगी। आप फिलहाल सिर्फ मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए, क्यों किया आपने दादू के साथ ऐसा? मैंने तुमसे कहा ना जुनैद कि मेरे और बीजी के मामले में मत पढ़ो। डोंट ट्राई टू बी माय फादर, बाप बनने की कोशिश मत करो। जाओ यहां से, गेट आउट। मैं आपका बाप बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और आपके जैसा बाप तो मैं अल्लाह ना करे कभी बनूं। डैड, आपने आज सारी हदें पार कर ली। स्पीकिंग ऑफ दादाजी, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो दादू को कितने प्यार से रखते थे, शहजादियों की तरह ट्रीट करते थे उन्हें। उनकी विरासत में मिली हुई जायदाद पर इतनी घटिया नजर नहीं रखी थी उन्होंने? और आपने क्या किया? जुनैद, मैंने कहा ना कि जाओ। आपको क्या लग रहा है, हमेशा की तरह मुझ पर चिल्लाएंगे और हकीकत को पीछे कर देंगे, छुपा लेंगे सब कुछ? आज ऐसा नहीं होगा डैड। आज आपको मुझे जवाब देना होगा कि आपने दादू के साथ ज्यादती क्यों की। अपनी जुबान बंद रखो। मैंने भी आपसे कह दिया डैड, मैं आज जवाब सुने बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे तो अफसोस होता है दादाजी की सोच पर। वो बेचारे सोचते थे कि मेरा बेटा मेरे जैसा होगा, लेकिन अफसोस डैड, अरे आप तो अपने बाप जैसे भी नहीं बन सके। जुनैद, आपको क्या लगता है ये थप्पड़ मार कर आप सारी बात को रफा दफा कर देंगे? आपसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा? डैड, गलत लगता है आपको? डैड, आप गुनहगार हैं, ना सिर्फ अपनी औलाद के बल्कि अपनी मां के भी। सारी जिंदगी आपने अपने औलाद के फराइज पूरे नहीं किए, और आज आज तो आपने अपनी मां का भी दिल दुखा दिया। एक अच्छे बाप तो थे नहीं, आज आपने साबित कर दिया आप एक अच्छे बेटे भी नहीं हैं। कुछ गलत नहीं किया मैंने, हक मांगा है अपना। बीजी की जायदाद पे मेरा हक है, कुछ गलत नहीं किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया। आया मुझे लेक्चर देने वाला।